अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। लाइफ विद शमा खान आज फिर आई है एक अच्छी सी सिंपल सी रेसिपी लेके, जो बच्चों को, बड़ों को, सभी को बहुत पसंद है। आज मैं बनाने वाली हूँ सैंडविच, एग एंड वेजिटेबल सैंडविच। तो चलें अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने 3 अंडे लिए हैं, इन्हें मैंने बॉईल किया है। जो इसमें अज़ा डलने वाली हैं वो मैं आपको बताती हूँ। कश की हुई रेड कैरेट, हरा धनिया, शिमला मिर्च और बंद गोभी, और ब्रेड के पीसेस मैंने उतार लिए हैं साइड, आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन ये सैंडविच ऐसे ही अच्छे लगते हैं। और ये है मायोनीस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के अपनी रेसिपी शुरू करती हूँ। सबसे पहले हम जो उनसे एग बॉईल किए हैं इन्हें फोक की मदद से मैश करेंगे। अंडे हमारे मैश हो चुके हैं, अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ मायोनीज। जितने आपके पीसीज हैं उस हिसाब से आप अपनी मायोनीज को ऐड करें। और इसमें हल्का सा सॉल्ट जाएगा और ब्लैक पेपर, इसमें हम ऐड करेंगे अपनी सभी वेजिटेबल जो आपको बताई हैं। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मेरे सभी व्यूवर्स का बहुत शुक्रिया जो मुझे अच्छे अच्छे मैसेज करते हैं, मैं सभी का रिप्लाई करती हूँ। आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चलें, ये आपकी अपनी चॉइस है। अगर आप सिरका डालना चाहें तो आप वो भी डाल सकते हैं, मैं नहीं डालूँगी क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं तो ये वो खाएँगे ताकि वो गला ख़राब ना हो उनका। चलें जी, ये मिक्स हो गया, अब हमें अपने ब्रेड पे लगाएंगे। चलें जी, ये देखें इसकी अब हम कटिंग करेंगे। वाओ माशाल्लाह जी, देखें कितने खूबसूरत हैं, वाओ डिलीशियस। चलें जी, इसी तरह आप अपने सभी सैंडविच जो उनसे हैं तैयार करें। उम्मीद है कि मेरे सभी प्यारे व्यूवर्स को, सभी देखने वाले को मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। झटपट से हमारे सैंडविच रेडी हैं। आप इसी तरह अपने बच्चों को अपनी चाय के साथ, जैसे जी चाहे, कोल्ड ड्रिंक के साथ, जूस के साथ, शेक के साथ, आप किसी भी अपने फ्लेवर टच के साथ आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने का। इंशाल्लाह फिर आपसे मिलूँगी एक अच्छी सी रेसिपी लेके। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।